जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में लिखेंगे जय श्री महाकाल। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती है। लाखों हजारों लोगों को हमारी ओर से निशुल्क ज्योतिष उपलब्ध करवा दिया गया है। अब आपकी बारी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो 100 दिन हैं आने वाले, ये आपके लिए कैसे रहेंगे, इनमें क्या खास बातें हैं और क्या परिवर्तन होगा। आप और हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण गया, और चंद्र ग्रहण जाने के बाद मैंने पहले ही बहुत से वीडियो बनाकर आपको समझाइश दे दी थी कि ये जो चंद्र ग्रहण है, इससे आपको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी ख़राब प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन तकलीफ यहाँ पर होगी कि जिन भी जातकों का राशि में चंद्र की स्थिति यदि नेगेटिव है, नीच का है, तो उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। और उन लोगों की जो तकलीफ है वो इतनी घातक होगी कि जो अच्छे और सीधे साधे लोग हैं वो भी उसमें फंस सकते हैं। तो कहाँ का आपको सावधान रहना है, क्योंकि सावधान रहिए, आगे खतरा है। पहली और मुख्य बात कि आपको इन 100 दिनों तक कोई भी शादी या विवाह की बात शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी विवाह या शादी की बात शुरू करते हैं तो सोच समझ के करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको धोखा ही होगा, लेकिन धोखा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, वाहन दुर्घटना की संभावनाएं किस लिए हैं कि यदि आप नशे में गाड़ी चलाते हैं या नशे में कोई भी बड़ा व्यवहार करते हैं या बड़ा डील करते हैं या कोई बड़ी बात जो जीवन से रिलेटेड है वो नशे में मत करिएगा, होशो हवास में करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। 100 दिनों तक उधारी से बचें, बेफजूल की उधारी। आपके पास घर बैठकर उधार देने लोग आएंगे, लेकिन आपको उधार नहीं लेना है। उधार से इन दरमियान बचें, और आप उधार देने से भी बचें, लेने और देने दोनों से बचें, क्योंकि तकलीफ दोस्तों आपकी राशि के लिए वहाँ हो जाएगी कि इस दरमियान दिया गया पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकता है और पैसे मुश्किल से निकल सकते हैं। चौथी स्थिति, आप यदि क्षणिक भर के लिए, आप सब कुछ सामान्य है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षणिक भर के लिए आपका मन उदास और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा घटना आपके साथ हो कि मन एकदम उदास होकर कुछ गलत कदम उठाने का मन हो, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, क्योंकि चंद्र की स्थिति दोस्तों मन उससे प्रदर्शित होता है, मन पर काबू चंद्र का होता है। तो एकदम से इम्पैक्ट हो सकता है, कभी प्रभाव हो सकता है, ऐसा ओवरऑल नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरी संभावना है कि कई जातकों के साथ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो सावधानियां हैं ये आपको बिल्कुल रखनी चाहिए। बच्चों का बहुत ख्याल रखें इन दरमियान, ये जो 100 दिन है ऐसे तो रखिए ही सही, लेकिन आम दिनों में रखिए। इससे बच्चों का चोरी होना, बच्चों का तबीयत ख़राब होना या बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ है वो तकलीफ दे हो सकती है। और एक और बात है कि जो संतानें हैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ग्रहों में जो 9 ग्रह हैं वो सूर्य चंद्र जो है, चंद्र है वो उसे माँ प्रदर्शित करते हैं। अगर आप माँ के रोज चरण स्पर्श करते हैं तो आपका चंद्र मजबूत होता है। तो अपनी माँ का विशेष ख्याल रखें इन 100 दिनों के अंदर अंदर। कोई भी छोटी बात हो, जैसे तबीयत खराब हो तो जांच वाँच, जो भी छोटी छोटी बातें जो जीवन में बहुत ज़रूरी, उनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत बेसिक बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट्स में लिखेंगे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।